बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ जो चॉकलेट बार्स आप केक पे डेकोरेशंस के लिए यूज़ करते हैं वो किस तरह बनते हैं, और आज ये चॉकलेट बार्स मैं फॉन्डेंट से बना रही हूँ, बहुत इजीली बन जाते हैं। तो जनाब, ये मोल्ड मिलता है बहुत इजीली आपको मार्केट में, किसी भी बेकिंग जो चीज़ें होती हैं, बेकिंग स्टोर होता है वहाँ पे इजीली मिल जाता है। और ये मैंने फॉन्डेंट लिया है चॉकलेट कलर का, इसमें मैंने ब्राउन कलर और थोड़ा सा ब्लैक कलर इसमें मैंने ऐड किया है, तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड कलर आ गया है। आप किसी भी कलर का बना सकते हैं। तो थोड़ा सा फॉन्डेंट लेके इसको ये मोल्ड पे मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दिया है ताकि थोड़ा सा चिपके ना। तो फॉन्डेंट लेके इस मोल्ड पे अच्छी तरह प्रेस करें। मैंने हाथों पे भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा लिया है ताकि थोड़ा सा चिपकने का ज़्यादा ना हो। एक बार में मैंने फॉन्डेंट लगा लिया है, अब दूसरा जो बार है उस पे मैं लगा रही हूँ। मैं तीन बना रही हूँ, आपको जितने रिक्वायर्ड हैं आप उतने बना सकते हैं। जस्ट मैं तरीका बता रही हूँ कि किस तरह बनते हैं। फॉन्डेंट लगा के अच्छी तरह से प्रेस करें। अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर लिया है। अब जनाब, ये जो साइड्स पे बाकी फालतू जो फॉन्डेंट लगी हुई है, क्योंकि हर एक बार के इर्द गिर्द एक बॉर्डर सा बना हुआ है, तो बॉर्डर से बाहर जितना भी फॉन्डेंट लगा हुआ है वो मैं हटा दूंगी। एक छुरी की मदद से भी आप कर सकते हैं, किसी कटर की मदद से भी आप कर सकते हैं। ये मैं छुरी की मदद से कर रही हूँ, जितना भी ये बॉर्डर्स से बाहर निकला हुआ है वो सारा फॉन्डेंट मैं हटा दूंगी, और सिर्फ बार्स के साथ जितना भी है वो मैं छोड़ दूंगी ताकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन है वो आ जाए। ये देखें, बिल्कुल परफेक्टली मोल्ड में आ गया है जितना हमें रिक्वायर्ड था। अब जनाब, यही बार निकाल के हम खुली हवा में रखेंगे पंखे के नीचे, तो ये सूख जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टॉपर्स हमारे बन जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह हमारे पास बार्स आ गए हैं। इसको आप खुली हवा में पंखे के नीचे रखें तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएंगे, और आप किसी तरह से भी आप केक पे टॉपर लगा सकते हैं। आप अब इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और टूथपिक लगा के भी आप केक में इंसर्ट कर सकते हैं। इस और फॉन्डेंट के टॉपर्स कभी भी फ्रिज में ना रखें, खुली हवा में रखें तो इजीली सख्त हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।